हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों, मैं कल से देख रहा हूँ कि इस लड़की का दोस्तों जो वीडियो है वो कल रात से बहुत ही ज्यादा वायरल चल रहा है। पता नहीं दोस्तों इस लड़की के वीडियो में ऐसा क्या है जो दोस्तों हर कोई इसके ऊपर दोस्तों ड्यूट कर रहा है। तो गाइस, मैंने सोचा कि क्यों ना इस ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर दोस्तों कुछ वीडियो बनाया जाए। तो गाइस, मुझे फाइनली आइडिया आया कि दोस्तों इस लड़की का जो वीडियो है दोस्तों वो स्काई में इफेक्ट करके भी तो किया जा सकता है। तो गाइस, आपने मेरे वीडियो के स्टार्टिंग में जो वीडियो देखा था गाइस, जहाँ पर आपको स्काई में इस लड़की का वीडियो दिखाई दिया आपको, तो गाइस आपको अगर कुछ इस तरह का वीडियो बनाना सीखना है तो मेरे इस वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। गाइस, जो मेरा चैनल कंटिन्यू देखता है उसको फ्रेंड्स पता है कि इस तरह का वीडियो बनाने के लिए मैं सबसे आसान तरीका बताता हूँ। तो गाइस, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले, तो वीडियो को फटाफट एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि गाइस आपका एक लाइक आपके भाई को बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करता है। तो गाइस, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फटाफट एक लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर हो सके तो अपने फ्रेंड्स को भी थोड़ा सा वीडियो शेयर कर दे, ताकि दोस्तों वो भी कुछ इस तरह का वीडियो बना के टिकटॉक में कुछ लाइक्स और फॉलोअर बढ़ा सके। गाइस, अगर आप मुझे नहीं जानते हो तो मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं कि मेरा नाम है विद्युत, और मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके और हमारे यूट्यूब चैनल जे एस आर कलौंडा में। गाइस, अगर आप मुझे बकते हुए पहली बार सुन रहे हो या फिर मेरे चैनल पे दोस्तों आप पहली बार है, तो फ्रेंड्स आपको इसी वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखेगा। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके दोस्तों आप ऑल सिलेक्ट कर ले, ताकि गाइस मैं कुछ भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो गाइस, बिना किसी तरीके चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस तरह का वीडियो बनाने के लिए मैं दोस्तों आपको पहले ही बता देता हूँ कि गाइस आपको स्काई कलर का कुछ भी ड्रेस नहीं पहनना है। इसके बाद गाइस यहाँ पर देख सकते हैं, मैं कुछ इस तरह से अपने हिसाब से एक्टिंग करके एक वीडियो को शूट कर रहा हूँ। आप दोस्तों अपने हिसाब से एक्टिंग करके एक वीडियो को शूट कर लीजिएगा। इसके बाद का जो प्रोसेस है दोस्तों, आपको अपने स्मार्टफोन के काइन मास्टर को ओपन करना है। तो गाइस चलिए, आप अपने स्मार्टफोन के काइन मास्टर को ओपन कीजिए, मैं दोस्तों वहाँ पर जाकर आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं, जो मेरा स्मार्टफोन का काइन मास्टर एप्लीकेशन है दोस्तों, उसको मैंने ओपन कर लिया है। मैं दोस्तों काइन मास्टर का प्रोमो कोड यूज़ करता हूँ। आपको अगर दोस्तों इस वाले प्रोमो कोड को डाउनलोड करना है तो मैंने इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक देके रखा है गाइस, जहाँ से गाइस आप काइन मास्टर प्रोमो कोड को डाउनलोड कर सकते हैं। अब जो आपको ये न्यू फ्री फायर का ऑप्शन दिख रहा होगा, देख सकते हैं इस वाले न्यू फ्री फायर में फ्रेंड्स आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इसमें क्लिक करते हैं, कुछ इस तरह के तीन एक्सपेक्ट रेशियो आपके सामने आएंगे। यहाँ पर दोस्तों जो आपको एक्सपेक्ट रेशियो सिलेक्शन करना है वो है आपका 9:16 का। आपको गाइस 9:16 एक्सपेक्ट रेशियो में क्लिक करके अपना काइन मास्टर एप्लीकेशन का आपको ओपन कर लेना है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, जो मेरा काइन मास्टर एप्लीकेशन है उसको मैंने ओपन कर लिया है। अब दोस्तों आपको राइट साइड में जो मीडिया का ऑप्शन दिख रहा होगा, देख सकते हैं इस वाले मीडिया फ्रेंड्स को क्लिक करके अपना गैलरी को ओपन करना होगा, और यहाँ से दोस्तों आपको अपना पसंदीदा का बैकग्राउंड आपको सिलेक्शन कर लेना है। मैं दोस्तों आपको दिखाने के लिए यहाँ पर ब्लैक कलर के बैकग्राउंड को सिलेक्शन करता हूँ। गाइस यहाँ पर देख सकते हैं, जो मेरा ब्लैक कलर का बैकग्राउंड है दोस्तों, उसको मैंने सिलेक्शन कर लिया है। अब दोस्तों आप क्या कीजिएगा, इसका ड्यूरेशन को दोस्तों कुछ इस तरह से बढ़ा लीजिएगा। इसके बाद गाइस आपको कुछ इस तरह से फर्स्ट तरफ आना है। आने के बाद गाइस आपको अभी जो राइट साइड में ये लेयर का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, देख सकते हैं इस वाले लेयर में आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इसमें क्लिक करते हैं, कुछ इस तरह के पांच ऑप्शन आपके सामने आएंगे। यहाँ पर दोस्तों जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका मीडिया का, आपको इसी वाले मीडिया में क्लिक करके अपना गैलरी को ओपन करना होगा गाइस। और यहाँ से जैसा मैंने बिहाइंड द सीन मेरा वीडियो को शूट करके दिखाया है, आप दोस्तों जो अपना वीडियो शूट किए हो उस वाले वीडियो को फ्रेंड्स आप सिलेक्शन कीजिएगा। मेरा दोस्तों जो रिकॉर्डिंग किया वीडियो है उसको मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ। गाइस यहाँ पर देख सकते हैं, जो मेरा रिकॉर्डिंग किया वीडियो है उसको मैंने सिलेक्शन कर लिया है। अब दोस्तों आपको क्या करना होगा, आपको गाइस इस वाले एरो में पकड़ के कुछ इस तरह से इसको फुल स्क्रीन में कर देना है। इसके बाद गाइस यहाँ पर देख सकते हैं, जो मेरा ब्लैक कलर का बैकग्राउंड है दोस्तों, कुछ मेरा एक्स्ट्रा बच जा रहा है। तो गाइस कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर लास्ट तरफ आना है, और गाइस ब्लैक कलर के बैकग्राउंड को कुछ इस तरह से आपको हटा देना है। इसके बाद दोस्तों आपको कुछ इस तरह से फ्रेंड फर्स्ट तरफ आना है। आने के बाद गाइस आप क्या कीजिएगा, आपका दोस्तों जो रिकॉर्डिंग किया वीडियो है आपको दोस्तों उसमें कुछ इस तरह से क्लिक करना होगा। जैसे आप उसमें क्लिक करते हैं, राइट साइड में दोस्तों आपको कुछ इस तरह का ऑप्शन दिखेगा गाइस, देख सकते हैं। और इसी ऑप्शन गाइस अगर आप स्क्रॉल करके नीचे करेंगे तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एक कोरमाकी का ऑप्शन दिखेगा। आपको इस वाले कोरमाकी में क्लिक कर लेना होगा, और दोस्तों आपको जो यहाँ पर की कलर सिलेक्शन करना है, और फ्रेंड्स आपका जो स्काई का कलर है दोस्तों वो आपको यहाँ पर सिलेक्शन कर लेना है। गाइस यहाँ पर देख सकते हैं, जो स्काई का कलर है उसको मैंने सिलेक्शन कर लिया है, और दोस्तों आपको यहाँ से ओके करके इसको इनेबल कर देना है। जैसे गाइस आप यहाँ पर इनेबल करेंगे, कुछ इस तरह से दोस्तों आपका जो वीडियो है डार्क टाइप का हो जाएगा। अब दोस्तों आपको क्या करना होगा, इसको आपको एडजस्ट से एडजस्ट करना होगा। सबका एडजस्टमेंट दोस्तों अलग अलग होगा, तो गाइस आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप दोस्तों अपना एडजस्टमेंट कुछ इस तरह से कर लीजिएगा। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं, जो मेरा वीडियो है उसको मैंने कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लिया है। अब दोस्तों आपको क्या करना होगा, आपको गाइस इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, जहाँ पर दोस्तों जो लड़की वाला जो वीडियो है दोस्तों उसको मैंने देके रखा है। आपको गाइस उस वाले वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। अगर दोस्तों मेरे दिए हुए डिस्क्रिप्शन के लिंक से वीडियो डाउनलोड नहीं होता है तो फ्रेंड्स आप मेरे टिकटॉक आईडी से भी इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे जो टिकटॉक आईडी दोस्तों आपको मेरे डिस्क्रिप्शन पर ही मिल जाएगा। डाउनलोड करके आपको उस फाइल को सिलेक्शन करने के लिए वो क्या करना होगा, आपको जो राइट साइड में लेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा, देख सकते हैं इस वाले लेयर में आपको क्लिक करना होगा। और दोस्तों जो फर्स्ट ऑप्शन आपका मीडिया का, आपको इसी वाले मीडिया में क्लिक करके अपना गैलरी को ओपन करना होगा, और यहाँ से दोस्तों आपको उस वाले वीडियो का आपको सिलेक्शन करना है।
दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा लड़की वाला वीडियो है उसको मैंने सिलेक्शन कर लिया है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, इस वाले एरो में पकड़ के आपको कुछ इस तरह से इसको फुल स्क्रीन में करना है। इसके बाद गाइस सीधा आप कुछ इस तरह से इसको ऊपर लेके जाइएगा। और दोस्तों आपको जो लेफ्ट साइड में 3 डॉट दिख रहा होगा देख सकते हैं, इस वाले 3 डॉट में क्लिक करके आपको सेंड टू बैक ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना होगा। ऐसा करने से दोस्तों जो लड़की का वीडियो है वहाँ पर पीछे चला जाएगा। अब दोस्तों अपना वीडियो अगर आप प्ले करके देखेंगे तो आपका वीडियो कुछ इस तरह से दिखेगा। तो गाइस इस तरह से आप बहुत ही आसान से स्टेप को फॉलो करके आप इस तरह का वीडियो बना सकते हैं। अब फ्रेंड्स आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको दोस्तों लेफ्ट साइड में जो ये शेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा देख सकते हैं, इस वाले शेयर में आपको क्लिक करना होगा और दोस्तों आपको अपना फाइल को एक्सपोर्ट कर लेना है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो फटाफट एक लाइक कर दीजिए। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हो तो फ्रेंड्स आपको पता है आपको क्या करना होगा। तो गाइस बिना किसी देर के चलिए वीडियो पर एंडिंग लगाते हैं।